सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हम जो सीख रहे थे फोटोशॉप के बारे में, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 8 में, जिसके बारे में जिसमें हम तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे। हमने मूविंग टूल के बारे में सीख लिया, रेक्टेंगल टूल के बारे में सीख लिया, लासो टूल के बारे में सीख लिया, मैजिक टूल के बारे में सीख लिया, क्विक एक्सेस सिलेक्शन टूल के बारे में सीख लिया। उसके बाद में आज हम सीखेंगे क्रॉप टूल के बारे में। सिंपली क्रॉप टूल बहुत ही सिंपल होता है बिल्कुल, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको अगर नहीं समझाऊंगा तो आपके आउटपुट में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और कुछ ऐसी बातें भी है जो आपका जानना जरूरी है यदि आप अच्छे से ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझा देता हूँ मैं आपको क्या होता है क्रॉपिंग। क्रॉप का एक्चुअली यूज ऐसी जगह पर हम लेते हैं जहां पर हमें फोटो को साइज और रिसाइज करना हो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई फोटो अपने मोबाइल से क्लिक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, उसके बाद हमें कोई फोटो इतनी अच्छी लगती है कि यार इसे तो निकलवाने जाते हैं। जैसे हम प्रिंटर या फिर हमारे पास खुद के पास प्रिंटर होता है, या फिर प्रिंटर में डायरेक्ट को फोटो दे देते हैं निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है उनके बारे में मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम के बारे में फेस करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम फेस होगी कि आपकी जो पिक्चर जो आउटपुट निकल के आएगी, उस पिक्चर के सामने होगा कि आपकी फोटो जो है अच्छे से नहीं आएगी, वो कटी हुई आ जाएगी, या फिर पूरा पार्ट उसमें दिखाई नहीं देगा, आपका जो बॉडी है वो आधी ही आएगी, या फिर वो कहीं से 1D, कहीं से 3D, कहीं से 2D, 3D 2D, 3D 2D, 3D इस तरह से आएगी, या फिर आपका नाक लंबा हो जाएगा, कान लंबे हो जाएंगे, होंठ लंबे हो जाएंगे, इस तरह से आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बचने के लिए हमें क्रॉप टूल का यूज लिया जाता है कि हम अच्छे से इसे साइज दे सके जो प्रिंट के लिए अच्छी है। तो साइजेस पहले आप ये देखिए आपके पास प्रिंट का जो पेज है वो कितना है। आपके पास 4:6 की आपको इमेज निकलवानी है, 5:7 की निकलवानी है। पहले जो पिक्चर चलती थी वो 4:6 की ज्यादा चलती थी, आज जो पिक्चर चलती है 5:7 की ज्यादा चलती है। लेकिन यदि आप मोबाइल से क्लिक की हुई फोटो निकलवाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4:6 की ही निकलवाए। रीजन इसका ये हो जाता है कि आप जब 4:6 की इमेज निकलवाएगी तो वो काफी अच्छी क्वालिटी में आएगी, HD क्वालिटी में ठीक ठाक आपको अच्छे से दिखेगी। लेकिन आप जो 5:7 की निकलवाती है तो आपकी मोबाइल से कितना ही मेगापिक्सल का HD कैमरा हो, वो इतनी अच्छी क्वालिटी आपको 5:7 की फोटो में नहीं देगा, थोड़ी धुंधली सी दिखेगी, फटी फटी सी दिखेगी। तो आपको सजेस्ट करूंगा 4:6 की इमेज ले, बाकी नॉर्मली 5:7 चलती है आजकल के जो हमारे पास जो आते हैं एल्बम वगैरह उसके लिए, या फिर जो वेडिंग एल्बम आते हैं उनके लिए 5:6 से 5:7 चलते हैं, क्योंकि उनके पास HD कैमरा हो, तो वो चाहे जितनी साइज दे सकते हैं। लेकिन मोबाइल से क्लिक हुई फोटो आपका कैमरा चाहे भले बहुत ज़्यादा HD हो, 20 से 25 मेगापिक्सल हो या उससे आउट हो, फिर भी आपको 4:6 में निकलवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रॉप टूल को यूज करने के बारे में। सिंपली आपको सिलेक्ट करके इस तरह से, सॉरी मैं यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, एक बार के लिए मैं इसने रेजुलेशन दे रखा हूँ, तो एक बार के लिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। इस तरह से हमारे सामने एक इमेज ओपन है, सिंपली यहाँ से एक बार के लिए क्लिक कर दीजिए, आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। तो आप क्रॉप करोगे तो इस तरह से आपके सामने ये देखिए, इस तरह से इतनी इमेज हमें क्रॉप करनी है। आप चाहे जितना सिलेक्ट कर सकते हो इधर से एरिया, अब जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो आपको दिख रहा है से हेड कलर, उस पर क्लिक करें, और सिंपली आपको जैसे मैं इस पर ब्लू कलर कर देता हूँ वो आप रख सकते हैं ब्लू इस तरह से। और यहाँ की जो आपकी ओपेसिटी है वो चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी मतलब ये बैकग्राउंड आपको कितना पीछे वाला किस कलर में थोड़ा मतलब ट्रांसपेरेंट किस तरह का दिखाई दे, तो अब मैं इतना रहने देता हूँ इसको ताकि ठीक से दिख जाए और अच्छा भी लगे। इस तरह से आप इसकी जो क्रॉपिंग आप कितनी भी चाहे, देखिए बीच में कर्सर लेंगे तो आप जहाँ पर इसे चाहिए उस वहाँ पर मूव करके अच्छे से इसे क्रॉप कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से एंगल वाइज एंगल भी इसे इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, तो सीधी होगी। एक्चुअली दोस्तों क्रॉपिंग टूल में पहला जो वर्जन था इससे जस्ट पहले वाला, उसमें एक क्रॉप टूल एको टूल्स हो जाता होता था, जिसमें हम ये मान लीजिए कोई आपके सामने आडी जो थोड़ी टेढ़ी जो फ्रेम है वो है, थोड़ी जो उल्टी फ्रेम है या फिर थोड़ी टेढ़ी फ्रेम है उसको हम सीधी कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें पिक्चर डालनी होती थी। तो वो जो ऑप्शन है वो आजकल हटा दिया गया है। कारण इसका ये है क्योंकि वो काम अब सिंपली क्रॉप टूल के जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ही हो जाता है। तो आप सिंपली से एंटर देंगे तो ये देखिए आपके सामने पिक्चर सीधी है वो कराइए, जो टेडी थी वो सीधी होकर आइए, आप सिंपली उसको देख सकते हैं। इससे फिर से मैं Ctrl+Alt+Z कर देता हूँ इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज समझने के लिए। तो ये थी पहली प्रॉपर्टीज। अब दूसरी बात आती है इसका साइज और रिसाइज किस तरह से करते हैं। सिंपली यहाँ पर आप देख रहे होंगे विड्थ, और यहाँ पर देख रहे होंगे हाइट, और यहाँ पर देख रहे होंगे रेजुलेशन। रेजुलेशन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर 5:7 डाल दीजिए, और 300 रेजुलेशन आपके लिए बेहतर क्वालिटी होगी। 5:7 4:6 चाहिए तो 4:6 डाल दीजिए,
और यहाँ से आप वैसे ऑटोमेटिक भी देख सकते हैं, तो आपके सामने जो है 4-6 की आएगी, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा यही चलती थी और आज भी चलती है यदि आप मोबाइल से पिक्चर निकलवाते हैं। तो क्योंकि पिछले वाले जो पहले वाले कैमरे थे वो इतने ज्यादा HD नहीं थे, इतनी ज्यादा उनमें हाई क्वालिटी नहीं थी कि वो आपकी पिक्चर को अच्छे से निकाल सके। तो इसलिए 4-6 का पहले आता है, आज भी 4-6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके बाद में 5-3 आया, उसके बाद में 5-4, फिर 5-7। 5-7 का अभी बहुत ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। और 8 और जो 8-10 के आप देखेंगे वो भी स्कूल ग्रुप फोटो के लिए जो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है, ये ग्रुप फोटो के लिए सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है। सेकंड हम इस पर क्लिक कर देते हैं सिंपली 5-7 की इमेज पर। 5-7 की इमेज पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये जो रेजुलेशन होगा वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होगा, आप अपने मन चाहे हिसाब से नहीं कर सकते। देखिए यहाँ से आप यहाँ से ऐसे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप इसे चौड़ा नहीं कर सकते, इसे घुमा सकते हैं बस। बाकी इसे जो इसे ये ऑटोमेटिक ही जो है सिलेक्ट होगा, आप इसे मन चाहे तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसे अब यहाँ से इसे एंटर कर देता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ और सिंपली देखिए ये मैंने एंटर कर दिया। और आप मैं इसे थोड़ा जो है जूम कम कर देता हूँ, ये देखिए ये 4-6 की इमेज आपके सामने निकल कर आई है। और जब आप इसे प्रिंट से जो लेआउट सॉरी जो इसका आउटपुट निकालोगे वो फिक्स आएगा, आपकी फोटो बिल्कुल अच्छी दिखेगी, बहुत ही शानदार दिखेगी और क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन आपको मिलेगी। ये तो था फोटोशॉप का पहले टूल के बारे में कि इसके बारे में क्या क्या सिलेक्शन है। इसके दो टूल्स और बचे हैं, उनका यूजेज मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं इसको प्लस कर लेता हूँ एक बार के लिए, कंट्रोल प्लस प्रेस करके। और तो अब हम देखेंगे यहाँ सब दूसरा टूल आपको जो दिख रहा है स्लाइड टूल। स्लैश टूल का यूज जो हम है किस लिए करते हैं वो बता देता हूँ। और जो स्लाइड स्लैश टूल सिलेक्शन टूल, ये जो स्लैश टूल जिस पार्ट को सिलेक्ट करेगा उसका सिलेक्शन डालने के लिए इसका यूज होता है। सिंपली स्लैश टूल का यूज मैं बता देता हूँ। स्लैश टूल का यूज कहाँ पर, एक्चुअली आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे राजनेता वगैरह के, या फिर बड़े बड़े एक्टरों के पोस्टर देखे होंगे। तो आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि यार इतने बड़े पोस्टरों के लिए इतना बड़ा प्रिंटर होता होगा क्या, कि यार इतने बड़े पोस्टर है इतने बड़ा प्रिंटर कहाँ से लाते होंगे यार, इतने बड़े प्रिंटर और कितनी बड़ी मशीनें हैवी होंगी। और हालांकि ये जो प्रिंटर की मशीनें वो शहरों में ही मिलती है, तो हमें ऐसे प्रिंट निकलवाने के लिए हमें फोटो को ईमेल करना पड़ता है। और हमारे फोटो बहुत ही ज़्यादा साइज में होती है, उस समय कम से कम 500 MB से लेकर 10-15 GB तक होती है। और हम उस ईमेल अच्छे से सेंड करने में बहुत दिक्कत आती है, पहली बात हम उसे सेंड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई में रहेगी, हाई डेफिनेशन में वो रहेगी इसी कारण से। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इतने बड़े प्रिंटर नहीं होते हैं, तो हम उस पिक्चर जो उस प्रिंट को है जो पार्ट्स में निकाल देता है, उस पिक्चर के 4 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, 5 पार्ट्स कर दिए जाते, 6 पार्ट्स जितने चाहे वो कर सकते हैं अपने प्रिंटर के हिसाब से। तो जैसे ही एक पार्ट निकलता हुआ उसको वो ऐसे इस तरह से चिपकाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि चिपकाया हुआ है। और वो इस तरह से हमें पोस्टर हमारे सामने आ जाता है, उसके चारों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है। कई गेम्स भी आपने देखे होंगे जहाँ पर हमें चारों हिस्सों को जोड़कर एक इमेज बनानी होती है, बिल्कुल एज इट इज उसी की तरह होती है। चलिए देख लेते हैं स्लैश टूल का यूज। तो हमें 4 हिस्सों को सेंड करना बहुत ही आसान रहता है ईमेल पर, तो हम HD क्वालिटी में उसी क्वालिटी में 4 भागों में उसे आसानी से भेज देंगे। तो इस इमेज को 4 भागों में बांटने के लिए इसका यूज होता है। ये था थी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। तो देखिए इसको बांट लेते हैं, सिंपली ड्रैग करके इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। पहला एरिया सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से सिंपली ड्रैग करके इसका जो ये सेकेंड एरिया जो है सिलेक्ट हो चुका है। जैसे सेकेंड एरिया ये सिलेक्ट हुआ उसके बाद में आप देखेंगे इसका यहाँ से तीसरा एरिया जो है सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से जैसे तीसरा एरिया सिलेक्ट हुआ, ये देखिए चौथा एरिया हमने 4 भागों में चूंकि इसको बांटा है, ज़्यादा भी बांट सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं कि आप ज़्यादा नहीं बांट सकते, मैंने सिंपली 4 भागों में बांटा है। ये देखिए 4 भागों में बट गया। अब इस पर सिलेक्शन करने के लिए जो इसका सेकेंड टूल है उसका यूज लेते हैं, स्लैश सिलेक्शन टूल का, क्योंकि ताकि इसका सिलेक्शन हो जाए। सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए इसके चारों तरफ आप देखेंगे सिलेक्शन आ चुका है। और आप इसे साइज रिसाइज भी अच्छे से कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जितना आपको करना है जिसको जितना बढ़ाना है उतना कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एल्ट शिफ्ट प्लस एस सॉरी एल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाना है और इसको सेव कर देना है। लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट लंबी पड़ जाएगी, तो मैं आपको फाइल में जाकर बताऊंगा। यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन होगा सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए इसकी शॉर्टकट एल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल एस है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जिससे आपके सामने आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगी। हालांकि इस मेन्यू को ओपन होने में आपको 30 से 40 सेकंड का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेता है। वैसे कोई खास ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपके पास, मेरे में थोड़ा सिस्टम थोड़ा वीक है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले,
आपके सामने ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये देखिए ओपन हो गया है, 30 से 40 सेकंड का टाइम लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेता चाहिए कोई सा भी सीपीयू हो। तो सिंपली इस पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसकी जो ये सारी सेटिंग है बाई डिफॉल्ट रहने दे, और इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से इनको रखना है, किस तरह से इनको नहीं रखना है, क्या इनके एडवांटेज है, क्या इनके डिसएडवांटेज है, या फिर इनको कहाँ पर यूज आते हैं सेटिंग्स के बारे में एक नए वीडियो में हम सीखेंगे। कि इसके लिए पूरा वीडियो बनेगा, इस सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, तो लंबी वीडियो बन जाएगी, कम से कम आधे आधे घंटे की वीडियो बनेगी। तो सिंपली आप इस सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक कर दिए, आपको ये लोकेशन मांगेगा कि आपको इसे कहाँ पर सेव करनी है। तो सिंपली मैं इसको सेव करने के लिए चले जाता हूँ लोकल डिस्क जी में, और इस ऑल में मैं आपके इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए सिंपली सेव पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए सेव हो चुकी है। अब जाकर देख लेते हैं मेरे फाइल में। सिंपली हम विंडोज इफ रेस करके माय कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे। ये देखिए ओपन हो चुका है। सिंपली मैं लोकल डिस्क जी में मैंने सेव किया था, यहाँ पर चले जाते हैं और इस ऑल पर क्लिक करके देखते हैं क्या वो सेव। इस तरह से आपके सामने फोल्डर बनकर आ जाएगा, आप देख रहे होंगे ये वाला। इस तरह से आपके सामने जो है फोल्डर बनकर आ जाएगा। सॉरी वो अभी के लिए गायब हो गया थोड़ा सा, मैं उसको है, ये देखिए ये इमेज हो गया। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए चार भागों में हमारी इमेज जो है डिवाइड होकर आ चुकी है। अब इसको सेंड करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसकी जो साइज है हमने चार भागों में बांट ली, और वो उस चार भागों को ज्वाइंट करके एक पूरा पोस्ट हमें तैयार करके दे देते हैं। बाकी इतना बड़े प्रिंटर नहीं होते, आप देखेंगे बड़े शहरों में मिलेंगे, लेकिन आपको बड़े शहरों में भी इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो इतने हाई क्वालिटी के प्रिंटर निकाल सके। यार आप भी तो सोचो कि इतने बड़े इतने थोड़े प्रिंटर होंगे तो उनकी मशीनें आएंगी कहाँ पर। तो इतने बड़े प्रिंटर नहीं होते हैं, चार भागों में उसे कट करके उसे निकाला जाता है। तो ये थी जो फोटोशॉप के प्रो टूल के बारे में सिंपल सी जानकारी। यदि आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता होती तो आप देख रहे, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे कुछ ना कुछ बैटरी इसके अंदर। और आप पार्ट वाइज चलिए, और पार्ट एक एक पार्ट को आप अच्छे से देखिए, एक एक अध्याय को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और उसकी प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आप फोटोशॉप में प्रोफेशनल बन जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि रोज के रोज नए नए वीडियो नए नए चैनल पर देख तो लेंगे, लेकिन क्या होगा कि आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, वो सब मिक्स हो जाएगा। तो आप एक ही सीरीज पर चलिए, चाहे मैंने कहा था आप मेरे चैनल से देखिए, आप कुछ भी सीख लीजिए। तो आप फोटोशॉप के बारे में नहीं सीखना चाहता तो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में देख लीजिए, तो उस वीडियो एडिटिंग के बारे में पूरा सीखे, सीरीज बाय सीरीज सीखे, उसके बारे में लगे तो रहिए, उसके पीछे लगे रहे, ताकि एक काम में तो आप परफेक्ट हो जाए। क्योंकि आपने भी सुना होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो हमारे पास। अभी यदि आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आपके पास बहुत ही मतलब कुछ नहीं होगा, सब मिक्स हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। राजस्थान में एक कहावत है कि न मामा नऊ तो काणू मामो ही चोको। बात यहाँ पर वही आ जाती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि आपके पास कुछ न है उससे अच्छा कुछ तो है। आपने उस समय में नॉलेज कम प्राप्त किया है, लेकिन यार प्राप्त किया है, लेकिन आप थोड़े थोड़े सारे वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और आप थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। तो सारे पार्ट आप देखिए और एक चीज़ के पीछे लग जाइए, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना है, तो मैं गारंटी लेता हूँ प्रोफेशनल बन जाएंगे सारे सॉफ्टवेयर के बारे में। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कोरल ड्रॉ की सीरीज आएगी, साथ ही साथ में आपको बहुत सारे ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताते जाऊंगा, और जो आप सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग वगैरह वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन ना ले आप, सबके बारे में आपको बताते हुए चलूंगा। लेकिन आप पहले ये सीख लीजिए, क्योंकि आपकी ग्राफिक्स डिजाइन आना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के युग में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। और ये सॉन्ग्स रिमेक्स करने के जो कमेंट्स आ रहे हैं आप धैर्य रखिए, मैं आपके लिए भी रिमेक्सिंग के बहुत ही सिंपल वे लेकर आऊँगा। एफएल स्टूडियो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका कोर्स कम से कम 4 से 5 मंथ का होता है, वो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं आपको सिंपली से तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे वॉइस बना सकते हैं, कैसे रिमेक्स कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से, इतना हाई नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। देखते रहिए मेरे सभी फोटोशॉप के पार्ट्स और सीखते रहिए।